हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, अमंग ऑल द आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9B एट द वन आइसोमर व्हिच इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन, हमें वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कांसेप्ट देख लेते हैं। की कांसेप्ट इज आइसोमेरिज्म और रिएक्टिव SN2 रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आइसोमर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो हम निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मल्टी माइनस हाइड्रोजन एटम्स माइनस हेलोजन प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, ब्रोमीन 1 है, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो सिंपली इसके जो आइसोमर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, फर्स्ट विल बी 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 Br। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज CH3 CHBr CH2 CH3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, SN2 रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा देगा। सो SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, दैट इज जो प्राइमरी हैलाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड SN2, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। क्योंकि SN2 रिएक्शन वहां पे ज्यादा जल्दी होगी जहां पर सब बल्कि ग्रुप्स ना हो। तो अगर प्राइमरी कार्बन में देखें तो यहाँ पर ज्यादा कार्बन के साथ, कार्बन के पास ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होती, सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया जाता है इजीली। सो दिस 1 डिग्री है, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, यहाँ पर ये जो 1 डिग्री हेलाइड है, प्राइमरी हेलाइड, ये इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शंस। सो आंसर विल बी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।